ऑलमोस्ट 2 weeks पहले मैंने एप्पल वॉच सीरीज 6 खरीदी थी, लेकिन उसके बाद मैं बिजी हो गई, मुझे उसको खोलने का टाइम नहीं मिला. बट आज फाइनली मैं उसको खोलने वाली हूँ आपके सामने और आपको दिखाने वाली हूँ कि उस बॉक्स में से क्या क्या निकलता है. एप्पल वॉच सीरीज 6 अभी आई थिंक 1.5 महीने पहले ही मार्केट में आई है और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है उसको और काफ़ी लोगों से मैंने उसकी तारीफ सुनी है. सो लेट्स गो ओपन दिस वॉच एंड सी व्हाट्स इनसाइड. ये है बेस्ट बाय का बैग और इसमें से हम अब वॉच निकाल रहे हैं. ये बॉक्स है इस वॉच का और लेट्स गो ओपन इट नाउ. इसके ऊपर ये प्लास्टिक है, यहाँ से इसको पुल करेंगे हम और इसको खोलेंगे. बड़ा फैंसी सा बॉक्स है और ये ऐसे नीचे से खुलता है इस तरह करके और इसमें से ये एक अलग बॉक्स है और फिर ये है इसके नीचे. इसमें ये रहा एक्चुअली वॉच का डायल, इतना छोटा सा. और इसको उन्होंने ये एक चीज के अंदर ऐसे लपेटा हुआ है और इसको हम यूं करके निकाल लेंगे. दिस इज एप्पल वॉच 6 और वो निकालते ही खुद ही ऑन हो गई है. और इसके स्ट्रैप अब हमको देखना है और एक ये इसकी बुकलेट है. ये देखें बुकलेट कितनी छोटी सी और इंस्ट्रक्शन इसकी कैसी निकली है. और ये रहा इसका चार्जर. ये इस तरह करके बंद हुआ हुआ है, इसको हम यूं खोल लेंगे. जितनी देर मैं बाकी की वॉच को और उसके स्ट्रैप्स को अनबॉक्स करती हूँ उतनी देर मैंने सोचा कि इसको चार्जिंग पे लगा दूँ ताकि ये चार्ज हो जाए जस्ट इन केस अगर बैटरी लो है. तो इसको चार्ज करने का ये तरीका है कि इसके ये फ्रंट है बैग वॉच का और ये इसका बैक है और ये चार्जर है. यहाँ पे मकनातीसी कुछ इसका मैग्नेटिक स्ट्रिप लगी होती है जो मकनातीस होता है वो. इसको मैं यहाँ करीब लाती हूँ ना तो ये इसको चिपक जाता है. इसको यहाँ से करीब लाने पे ये यूँ इसको चिपक जाता है. और इसको मैं आउटलेट में लगा दूँगी थोड़ी देर को ताकि अगर ये चार्ज नहीं है तो ये चार्ज हो जाए. वॉच को मैंने चार्जर पे लगा दिया है और अब ये इसकी इंस्ट्रक्शंस हैं. जस्ट द बेसिक है कि ओपन योर बॉक्स और दिस एंड दैट ब्ला ब्ला ब्ला, लाइक बेसिक है ये सारा कुछ. इसलिए मैं इसको रीड नहीं करने वाली हूँ. मुझे आई थिंक अच्छा खासा आइडिया है कि इसको कैसे सेट करना है. तो इसको मैं वापस इसमें डाल दूँगी. और यहाँ पे हम जब भी कोई चीज़ नहीं ख़रीदते हैं तो उसको बहुत एहतियात से अनबॉक्स करते हैं क्योंकि जस्ट इन केस अगर हमें वो चीज़ ना पसंद आई या उसमें कुछ हमें यू नो सेटिस्फेक्शन ना हुई उससे तो हम उसको इजीली स्टोर पे ले जाके रिटर्न कर सकते हैं. और अगर उसका बॉक्स और उसकी पैकेजिंग और उसकी रसीद हमने संभाली होगी तो हमें कोई दुश्वारी पेश नहीं आएगी उसको रिटर्न करने में. तो इसलिए मैं इस सब पैकेजिंग को एहतियात से रखूँगी जब तक यू नो मैं इस वॉच को यूज़ ना कर लूँ और मुझे ये पसंद ना आ जाए. तो ये सब मैं यहाँ पे वापस इसके रख दूँगी. और अब हम आते हैं इसके स्ट्रैप की तरफ. ये बॉक्स है इसके स्ट्रैप का और मैंने ये रोज़ गोल्ड में ली है इसलिए यहाँ पे ये रोज़ गोल्ड का स्ट्रैप बना हुआ है. यहाँ पे इन सब चीज़ों को हम साइड पर कर देंगे और अब हम इसको खोलते हैं. यहाँ पे ये छोटा सा ग्रीन सा एरो बना हुआ है, इसको मैं यूँ पुल करूँगी और ये यहाँ से इसकी सील ओपन हो जाएगी. और ये यूँ इसका स्ट्रैप बाहर आएगा. ओके, इसके साथ भी ये इंस्ट्रक्शन निकली है. और इंस्ट्रक्शन देखें आप, बिल्कुल एक पतला सा पेपर है और इसके ऊपर छोटा छोटा लिखा है कि इस स्ट्रैप को कैसे आपने वॉच के ऊपर लगाना है.
और ये एक्चुअल इतना बड़ा डब्बे में से आप देखना कि स्ट्रैप कितना छोटा सा निकलेगा। ये देखें इतनी सारी फैंसी पैकेजिंग की हुई है, और ये स्ट्रैप का एक हिस्सा ये है, दूसरा ये है। और अगर आपको बड़ा कोई बड़ा हाथ है और आपको थोड़ा लंबा स्ट्रैप चाहिए तो ये लंबा स्ट्रैप है और ये छोटा स्ट्रैप है। लड़कियों के हाथ चूँकि इतने बड़े मोटे मोटे नहीं होते तो इसलिए वो अक्सर ये छोटा वाला जो यहाँ पे आता है इसको यूज़ करती हैं स्ट्रैप को। तो अब मैं इसमें से भाई अब तुम कैसे निकलोगे, लेट्स सी। अब इसको इस तरह इन्होंने पैक किया हुआ है कि ये इतनी आसानी से ये नहीं निकलेगा। एंड ओ या ओके, इसको अब हम यूं ही निकालेंगे ऐसे स्लाइड करके बड़े आराम से, यूं ये बाहर आ गई। और ये अगर आपको बड़ा लंबा स्ट्रैप चाहिए तो ये वाला लगा लूँगी मैं, और अगर छोटा चाहिए तो ये लगा लूँगी। आई थिंक मुझे छोटा ज़्यादा पसंद आएगा इसलिए। और इसका ये छोटा सा ये है, ये भी मैंने उतार लिया। और अब जो हमारी वॉच चार्ज हो रही थी उसको मैं लूँगी और इसको लगाऊँगी उसमें। इसमें बैटरी लो है इस वक्त इसलिए ये सामने ये मैसेज दे रहा है। इसको पहले मैं चार्ज करूँगी और उसके बाद इसकी ऐप डाउनलोड करूँगी अपने फ़ोन में, और फिर इसको अपने फ़ोन के साथ पेयर कर लूँगी एप्पल वॉच की ऐप में, जिसमें ये मुझे बताएगी कि आज मैंने कितने स्टेप्स लिए हैं, कितनी कैलोरीज बर्न हुई हैं। अब तक जितनी भी वॉचेस आई हैं एप्पल की, कोई भी वॉच आपकी ब्लड ऑक्सीजन नहीं बताती। ये पहली वॉच आई है लेटेस्ट जो ये बताती है, इसलिए मैंने इसको चूज़ किया है। और मैं इसको सेट करूँगी और इसको इस्तेमाल करूँगी और फिर आपको बताऊँगी कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा इसको इस्तेमाल करने का। अभी बैटरी लो है, इसको फर्स्ट चार्ज करने की ज़रूरत है। और ये यहाँ पे ये छोटा सा डायल है, इसको क्लिक करते हैं। और ये इसके सिर्फ दो ही बटन हैं, एक ये डायल है यूँ घुमाने वाला जो ऐप्स ऊपर नीचे करता है, और ये एक और बटन है लेकिन अभी कोई काम नहीं कर रहा क्योंकि बैटरी काफ़ी लो है, ये देखें। सो मैं इसको चार्ज करूँगी और चार्ज करने के बाद आपको मज़ीद बताऊँगी कि ये इसके फाइनल स्क्रीन क्या आती है। इसके बॉक्स के अंदर मैं देख रही हूँ तो यहाँ पे इन्होंने पिक्चर्स दी हुई हैं कि किस किस तरह के स्ट्रैप्स आते हैं एप्पल वॉच के और किन कलर्स में आते हैं, और मिक्स एंड मैच करके आप अपनी वॉच को किस तरह का लुक दे सकते हैं। एनीवेज अभी बस मैं इसको पैक करके वापस रख रही हूँ, इसके बॉक्स को संभाल के रखना है जस्ट इन केस अगर मुझे इसको किसी भी वजह से वापस करवाना पड़ा तो। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी एप्पल वॉच सीरीज 6 की। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेरी वीडियो को लाइक करें। फिर आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।